सर, ये आज की जो मीटिंग बुलाई गई थी, बैठक थी, किस संदर्भ में ये बैठक बुलाई गई थी, क्या सब हुआ इसमें? प्रधानमंत्री पोषण योजना के लिए जो शिक्षकों को बाध्य किया जा रहा है कि 28 तारीख से प्रारंभ करने के लिए, तो हमारे शिक्षक जितने भी प्रधानाध्यापक हैं उनके नाम से खाता संचालित होती है, और वर्तमान जो पद्धति बनाई गई है उसमें हमारी जितने भी प्रधानाध्यापक हैं उसमें बहुत कठिनाई महसूस कर रहे हैं। पहले भी चलाते आ रहे थे, अब बड़ी कष्ट से चलाते आ रहे थे, अब वर्तमान जो पद्धति है और कष्ट में डाल देगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि शिक्षकों को इससे पूर्णतया मुक्त कर दिया जाए, हम लोगों को खाता संचालन में नहीं रखा जाए, हम लोग केवल मॉनिटरिंग करेंगे और अच्छा से अच्छा भोजन मिले इसकी सुविधा हम लोग चाहेंगे बच्चों को मिले, लेकिन हम लोग अकाउंट होल्डर नहीं, खाता धारक हम लोगों को नहीं बनाया जाए, क्योंकि हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि शिक्षण कार्य इससे बाधित होती है। इसी सब मांग को लेकर के आज सभी संगठनों को बुलाया गया था कि आप लोग एक संयुक्त बैठक बुला हो और सब अपने अपने विचार रखें। इस बैठक में विचार हुई है कि हम लोग पहले वकील से सुझाव ले लें, पीएलआई हो या सीडब्ल्यूएससी हो, जो दाखिल किया जाए उसके लिए जितनी कानूनी पहलू होगी उस पर विचार किया जाएगा। फिर संडे को 3 बजे हम लोग बुलाए हैं, जो विचार होकर आएगी वहाँ से कोर्ट से, उस पर विचार करेंगे हम लोग कि अगला स्टेप क्या हो। सर, क्या सब निर्णय लिया गया इस बैठक में? आज एक समन्वय, विभिन्न संगठनों का समन्वय समिति का बैठक बुलाया गया था। वो प्रधानमंत्री पोषण योजना से शिक्षकों को मुक्ति हेतु इस पर सामूहिक निर्णय लिया गया कि हम लोग चूँकि गरीब गुरबे के बच्चे विद्यालय में पढ़ते हैं, उनको गुणवत्तापूर्ण पोषण मिले, भोजन मिले, इसके पक्ष में हम लोग हैं। हम मध्याह्न भोजन के विरोध में नहीं है, हम उसके पक्ष में हैं, क्योंकि गरीब गुरबे के बच्चे खाते हैं, पोषण युक्त भोजन करेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन हम लोग को इससे मुक्त रखा जाए, कंप्लीट रूप से मुक्त रखा जाए, इसके लिए रणनीति बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर आज बैठे थे। इसमें निर्णय लिया गया कि लीगल एडवाइस लिया जाए, इसके लिए लीगल तीन आदमी का बनाया गया, सतीश चंद्र प्रसाद, श्री सतीश चंद्र पाठक और श्री संजय श्रीवास्तव का लीगल टीम बनाया गया है। ये तीनों टीम वकील से एडवाइस लेंगे और फिर संडे को हम लोग बैठ के आगे की रणनीति पर विचार करेंगे। मैं सतीश चंद्र प्रसाद, टीचर्स क्लब के संयोजक। क्या सब निर्णय लिया गया आज? आज निर्णय ये हुआ कि हम दरभंगा जिला प्राथमिक शिक्षक संघ में सभी संगठन के मंत्री, अध्यक्ष और आम शिक्षक भी आए, और मध्याह्न भोजन जो चलाना है उसके ऊपर विचार विमर्श हुआ, और यह हुआ अंतिम निर्णय ये हुआ कि हम लोग इसका चलाने के लिए सक्षम नहीं, कहा कि शिक्षक पर इसका दोषारोपण होता है, शिक्षक प्रताड़ित होता है, हमारा शिक्षक जेल जाता है ना, सस्पेंड होता है, वेतन बंद होता है, इसके लिए अंतिम निर्णय हुआ जो हम लोग हाई कोर्ट से इस पर विचार ले रहे हैं। तीन आदमी का कमेटी बन गया है, लोग विचार लेंगे और संभव है कि अगले सप्ताह में हम लोग जनहित याचिका दायर कर देंगे, है ना। श्री नारायण मंडल, प्राथमिक शिक्षक, प्रधान सचिव प्राथमिक शिक्षक दरभंगा।